हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेर में आप सभी का फिर से स्वागत है। वी आर क्वेर एक ऐसा हिंदी गेलअप स्टोरी चैनल है जहां आपको हर दिन सुबह 5 बजे नई गेलअप स्टोरी देखने और सुनने को मिलती है, जहां पर आपकी भेजी हुई कहानियों के अलावा कुछ खुद के एक्सपीरियंस्ड मोमेंट को हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आपने रोमांटिक स्टोरी से भरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं हर रोज होने वाली पोस्ट की, जो कि हर एक कहानी किसी न किसी रोमांस से जुड़ी हुई है या फिर किसी न किसी की लाइफ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम ट्रैफिक पुलिस अभिलाष और ओमकार की लव स्टोरी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इनबॉक्स में आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाने वाला है। अभिलाष, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस में है और गे रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद खुद को काफी रिजर्व रखता है, उसे चेकिंग के दौरान ओमकार से मुलाकात होती है, जहां ओमकार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे वो ठीक कराता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है और दोनों में धीरे धीरे और होते होते उसे ओमकार से प्यार हो जाता है। अभिलाष नहीं जानता कि ओमकार गे है भी या नहीं, पर अभिलाष को लगते आया है कि ओमकार अभिलाष को पसंद करता है। अभिलाष से रहा नहीं जाता, वो बहुत हिम्मत जुटा के ओमकार को अपने दिल की बात बताने के लिए ओमकार को अपने घर बुलाता है। ओमकार तुरंत बाइक लेकर अभिलाष के पास पहुंचता है और फिर अभिलाष उसे बैठा कर ओमकार के माँ के बारे में पूछता है, उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। ओमकार अभिलाष को हेल्प करने के लिए बहुत शुक्रमंद होता है। ओमकार भी पसंद करता था, पर अभिलाष के पुलिस होने की वजह से ओमकार को प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, क्योंकि ओमकार के पापा की डेथ पुलिस कस्टडी में हुई थी। तब ओमकार बहुत छोटा था और पिता के मरने के बाद पुलिस वालों ने ओमकार के माँ पर भी बुरी नजर रखी, उन्हें टॉर्चर करते, धमकियां देते और जीना हराम कर रखा था। इसलिए ओमकार की माँ को शहर भी छोड़ना पड़ा था। अब इधर जैसे ही अभिलाष ने ओमकार को प्रपोज किया और अपने फीलिंग्स बताई, ओमकार बाइक की चाबी अभिलाष के पास छोड़कर बस दुखी मन से अभिलाष के घर से निकल पड़ता है, क्योंकि पुलिस वालों पर कभी भरोसा करना हो ही नहीं पाया था ओमकार को। जब अभिलाष ने भी हेल्प की थी तब ओमकार ताज्जुब में था कि आखिर कोई पुलिस वाला इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो प्रेजेंट को जज कर रहा था। अभिलाष ओमकार को रोकने की बहुत कोशिश करता है वहां से जाने से, पर ओमकार के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात घर कर गई थी, वो बिना सोचे समझे वहां से चला जाता है। दूसरी, वो अभिलाष को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसने बिना कुछ जाने सोचे ओमकार को प्रपोज कर दिया और एक अच्छा दोस्त खो दिया। अभिलाष अब हर दिन की तरह अपनी लाइफ में बिजी रहने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब ओमकार के बारे में नहीं सोचेगा। अभिलाष ने बहुत बार कॉल किया, मैसेज भी किया ओमकार को, पर ओमकार का कोई जवाब तक नहीं आया। और अब जब अभिलाष को लगा कि उसने शायद जिससे प्यार किया वो स्ट्रेट ही था और ओमकार के दोस्ती को गलत समझ लिया, पर दिल तो दिल है, अभिलाष की भी क्या गलती, जो फील करता था उसने बता दिया और बताकर अपने अंदर की जो तड़प थी, जो परेशानी थी, उसे खत्म किया। पर अभिलाष पूरी जिंदगी के ख्वाब देखने लगा था ओमकार के साथ। दूसरी ओर ओमकार के पुराने जख्म उभर आए थे, लेकिन ओमकार भी अभिलाष के नेचर और बिहेवियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जैसे उसने ओमकार के एक्सीडेंट और माँ के इलाज में हेल्प की, अपनी बाइक तक दे दी थी, ओमकार को अब धीरे धीरे अभिलाष की हर एक बात याद आती है। दिल में फीलिंग्स तो थी, पर जो अभी आज की कंडीशन थी ओमकार के फैमिली की, ओमकार को लगता था कि पुलिस वालों की वजह से ही उसके परिवार की ये दशा हुई है। ओमकार माँ से बहुत प्यार करता था, पिताजी के गुजर जाने के बाद एक माँ ही थी जिसने हिम्मत के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाया था। अब ओमकार की माँ की तबीयत बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी, फिर भी लीवर का इन्फेक्शन बना हुआ था, साथ ही साथ एक किडनी में स्वेलिंग भी बन गई थी,
खैर मेडिसिन चल रही थी और डॉक्टर ने कुछ कंफर्म नहीं बताया था। बड़ी मुश्किल से एक महीना गुजरा और फिर अचानक उसके माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। ओमकार को अभिलाष की याद आने लगी पर वापस जा नहीं सकता था क्योंकि उसने सारा रिश्ता नाता तोड़ रखा था अभिलाष से जब उसने प्रपोज किया था। शायद उसकी पास्ट की चीजें सामने आ गई थी। उसने माँ की बिगड़ती हालत देख अभिलाष को कॉल किया पर अभिलाष गुस्से से ओमकार को ब्लॉक कर रखा था। जब ओमकार ने मैसेज और कॉल अवॉइड किया था अभिलाष का, उसे भी तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि ओमकार के माँ की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और ज्यादा वक्त भी नहीं है उनके पास। ओमकार की माँ ओमकार को पास बुलाती है। काफी दर्द में होती है वो और कहती है कि बेटा मुझे लगता है मेरा अंतिम समय पास आ गया है। मेरा एक और बेटा अभिलाष कहाँ है जिसने बहुत ख्याल रखा था मेरा, उसे भी देख लेती तो मेरी सांसें सुकून से छूटती। उसने बहुत हेल्प की है, बहुत नेक दिल है वो। उसके जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे जाने के बाद अभिलाष से दोस्ती ना तोड़ना, वो परिवार के हिस्सा है, परिवार के हिस्से के जैसा है। इतना कहने के बाद ओमकार की माँ अगले दिन तक कोमा में चली गई। पर इन सब की खबर अभिलाष को तो बिल्कुल भी नहीं थी। ओमकार बहुत रोता है क्योंकि ओमकार भी एक गे था और उसका जिसने यूज किया था प्यार के नाम पर, वो भी एक पुलिस वाला ही था और वो इसी कसमकस में था कि अभिलाष भी एक पुलिस वाला है, उस पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। बहुत ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ माँ कोमा में जा चुकी थी, काफी अकेला महसूस कर रहा था। अब माँ की हालत देख करके ओमकार अभिलाष को अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स बताकर रोना चाहता है। जैसे ही हॉस्पिटल से निकलकर बाहर जाता है और ऑटो लेता है अभिलाष के घर के लिए, ओमकार को हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई होती है। ओमकार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो घबरा करके वहीं गिर पड़ता है, उसके पैर सुन पड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओमकार आधे रास्ते से वापस लौट आता है और भूल जाता है वो अभिलाष के पास जाने वाली बात को। फिर माँ को मरा हुआ देख वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, बहुत रोता है, बहुत रोता है। धीरे धीरे कैसे भी करके अपने अंदर हिम्मत जुटा पाता है और माँ के अंतिम संस्कार को करता है। और फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं खामोशी से, शांति से। वो पूरे जो 2 महीने बीते थे वो सबके बारे में सोचता है। उसे रियलाइज हो जाता है कि अभिलाष एक अच्छा इंसान है और माँ को भी वो पसंद रहा है। अब हर रोज की तरह ओमकार भी अपनी लाइफ में बिजी होने की सोचता है, काम पर ध्यान देने की सोचता है। तभी अचानक ट्रैफिक के बीच ओमकार को अभिलाष दिख जाता है। अभिलाष को देखकर ओमकार मुंह चुराता है और रास्ता बदलने की कोशिश करता है, पर अभिलाष ट्रैफिक ड्यूटी छोड़कर ओमकार को देखने पर उसके पास दौड़ करके आता है और पास के जो बस स्टॉप होता है वहां पर ले जाता है और फिर बातें स्टार्ट होती है और कहता है कि रुकते क्यों नहीं, रुकना इतने देर से रुकवा रहा हूं, तुम सुनते क्यों नहीं, कहां भागे जा रहे थे तुम, सब ठीक तो है ना, और सच बताना माँ की तबीयत कैसी है, मुझे उनकी याद आती है यार। जब मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो कम से कम मेरा और माँ का रिश्ता तो रहने दो। माँ के बारे में पूछने पर ओमकार और अभिलाष दोनों भावुक तो हो जाते हैं और जैसे ही ओमकार माँ के बारे में बताता है अभिलाष की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ओमकार कहता है कि मैं अनाथ हो गया, मेरा कोई नहीं अब इस दुनिया में। ओमकार फूट फूट कर रोने लगता है और अभिलाष को हग कर लेता है और बताता है कि वो भी प्यार करता आया है अभिलाष से, पर पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस की वजह से उसने हमेशा इग्नोर किया है, पुलिस वालों को, इवन अभिलाष को भी। अब अभिलाष ओमकार के आंसू पोंछता है और
पूछता है कि ये सब अचानक कैसे हो गया, माँ तो ठीक हो गई थी ना। ओमकार हर एक बात आराम से बताता है, सब कुछ समझाता है कि कैसे क्या हुआ। अभिलाष ओमकार की बात ध्यान से सुनता है। ओमकार अपने बचपन से हुए उसके साथ हादसों के बारे में, अपने पिता के बारे में, पुलिस वालों के बारे में और अपने एक पुलिस वाले के साथ रिलेशनशिप को लेकर के हर एक बात अभिलाष को बताता है। अभिलाष भी काफी कोऑपरेट करता है, वो समझ जाता है कि हाँ ओमकार की इसमें कोई गलती नहीं थी। अभिलाष उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो यार, तुम अकेले नहीं हो, लाइफ मुझे भी जीनी थी तुम्हारे साथ, मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है। हाँ थोड़ा नाराज था क्योंकि तुमने मेरे कॉल मैसेजेस सब कुछ खत्म कर दिए यार। चलो ठीक है, पार्टनर नहीं बनना होता कोई बात नहीं, तुम बता तो देते, हम डिस्कस कर लेते, हम दोस्ती तो नहीं खत्म करते, हमारा एक रिश्ता था। अनाथ तुम ही नहीं हुए हो, मैं भी हो गया हूँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ ही थी, तुमने बहुत गलती की, काश तुम मुझे बता देते। ओमकार बताता है कि उसने कोशिश की, वो आने भी वाला था लेकिन सब सडनली हो गया और फिर उसने कांटेक्ट करना ठीक नहीं समझा। तो दोस्तों इस तरीके से अभिलाष और ओमकार अब अपने दिल की बातें आमने सामने रखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक पुराने पास्ट की वजह से सबको एक जैसा देखने लगा था ओमकार, और एक अच्छा खासा रिश्ता टूटने वाला था। अब फाइनली प्रॉमिस करता है अभिलाष कि वो उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगा और हमेशा खुश रखेगा, प्यार से रहेगा, एक फैमिली की तरह रहेंगे। ओमकार भी हाथ थाम लेता है और जिंदगी साथ जीने की कसमें वादे खा लेते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब दो प्यार करने वाले फाइनली मिल गए हैं और अपने जीवन को कैसे जीना है वो उनके ऊपर है। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको ये सीख देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके वजह से कुछ वैसा ही इंसान आपके सामने अगर आता है तो आप उसे प्रीवियस रिलेशन के हिसाब से जज ना करें। जरूरी नहीं कि आपका पास्ट जितना बुरा था, सामने जो अच्छा व्यक्ति अगर आपके आ रहा है उसे भी आप उसी तरीके से देखो। तो उम्मीद है दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसी स्टोरीज हम हमेशा लाते हैं हर रोज सुबह 5 बजे वी आर क्वेर पर, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आप अपनी स्टोरीज मुझे मेल कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस हमारे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। बट यूं ही मैं बता देता हूं, vrquare@gmail.com पर आप अपनी स्टोरीज मेल कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे, जो कि है vrquare1। आप सर्च करेंगे इंस्टा पे, हमारी आईडी आ जाएगी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आप स्टोरी भी सेंड कर सकते हैं। बिना हेजिटेशन के आप मुझे पिंग करिए, आपको बहुत अच्छा रिप्लाई आएगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और इस फैमिली को जितना हो सके उतना बड़ा करिए ताकि हम 1 मिलियन तक पहुँच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस और खूबसूरत स्टोरीज और मोटिवेट कर सके अपनी स्टोरीज के थ्रू सभी को जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो दबे हुए हैं, जिन्हें प्यार पे भरोसा कम है, वहाँ पे थोड़ा सा भरोसा और उम्मीद दे सके। तो सभी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज लव। हैव अ गुड डे।